नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 35वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिनेश कार्तिक और इयान मॉर्गन की तेज तर्रार पारी के दम पर 163 रन निर्धारित 20 ओवर में बना दिए। हैदराबाद को जीत के लिए 164 रन बनाने थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर हैदराबाद के लिए जॉनी बेस्टो और केन विलियमसन की जोड़ी ने 6.1 ओवर में 57 रन जोड़कर टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन इसके बाद कोलकाता के लिए लॉकी फर्ग्यूसन ने टीम को वापसी दिलाई और शानदार 2 विकेट निकाल दिए। सनराइजर हैदराबाद को लगे झटकों से डेविड वार्नर ने टीम को उबारा। डेविड वार्नर इस मुकाबले में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे और अंत तक नाबाद रहते हुए टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा था। आखिरी ओवर में सनराइजर हैदराबाद को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी और केकेआर की तरफ से गेंदबाजी करने आए थे आंद्रे रसल। डेविड वार्नर ने आखिरी ओवर में चौकों की बारिश कर दी और आंद्रे रसल को 3 चौके ठोके। आखिरी गेंद पर 2 रनों की दरकार थी, डेविड वार्नर इसमें चूक गए और सिर्फ 1 रन ही बना सके और मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में कोलकाता के लिए एक बार फिर लॉकी फर्ग्यूसन ने जलवा दिखाते हुए शुरुआती 3 गेंदों पर ही 2 विकेट निकालकर कोलकाता को जैसे जीत थमा दी थी। कोलकाता को अब सिर्फ 3 रन बनाने थे मैच जीतने के लिए, जो दिनेश कार्तिक और इयान मॉर्गन की जोड़ी ने आसानी से कर दिया। लॉकी फर्ग्यूसन ने इस मुकाबले में 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 15 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। इसके अलावा सुपर ओवर में भी उन्होंने 2 विकेट निकाले और दोनों ही बोल्ड थे। आपको बता दें, इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और त्रिपाठी के 48 रनों की साझेदारी के दम पर एक अच्छी शुरुआत की थी। बीच के ओवरों में सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों ने वापसी जरूर की थी, लेकिन अंतिम ओवरों में इयान मॉर्गन और दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए टीम के स्कोर को 163 तक पहुंचा दिया। इयान मॉर्गन ने 23 गेंदों पर 34 रन बनाए थे, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं दिनेश कार्तिक ने 14 गेंदों पर 29 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के जमाए। दिनेश कार्तिक का स्ट्राइक रेट इस दौरान 200 से ऊपर का था। आपको बता दें, इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करने वाले लॉकी फर्ग्यूसन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। आपको बता दें, ये इस सीजन लॉकी फर्ग्यूसन का पहला ही मुकाबला था और पहले ही मुकाबले में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच हासिल कर लिया। इस जीत के साथ कोलकाता के अब 10 अंक हो गए हैं। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों में 5 जीत और 4 हार के बाद 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर बरकरार है। टीम ने प्लेऑफ की उम्मीदों को बहुत मजबूती के साथ इस जीत के साथ बरकरार रखा है। वही बात अगर सनराइजर हैदराबाद की करें तो टीम 9 मैचों में 3 जीत वहीं 6 हार के बाद सिर्फ 6 अंकों के साथ अभी भी 5वें स्थान पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।